तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गुना करने का एक बेहतरीन धमाकेदार ट्रिक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक हम सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो को जब आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना आसान है। जी हाँ, आज मैं आपको तीन ट्रिक बताऊंगा। हो सकता है वीडियो जब आगे बढ़ता जाएगा तो आपको इससे भी ज्यादा ट्रिक सीखने को मिले, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जैसे हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी संख्या का गुना करते हैं, मान लिया जाए हमको यहां पर कोई भी संख्या दे दिया है, 22 दे दिया है और इसको 34 दे दिया है, इसको यदि हमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हम इसको सामान्य विधि से गुना करते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं वो विशेष संख्याओं पर लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ऐसी संख्या हो जिसके इकाई में, ध्यान दीजिए, अगर उसके इकाई में क्या हो, तो देखिए मान लिया जाए मुझे 31 को गुना करना हो 41 से। कहने का मतलब क्या है, यदि इसके इकाई के जो अंक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इकाई के अंक क्या हो, बराबर हो और वो क्या हो, एक हो, तो इस प्रकार के संख्या का गुना हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं इसका उत्तर तुरंत लिख सकता हूं और आप भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इसका गुना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक संख्याओं को हम गुना करते हैं। जैसे क्या करते हैं, अगर इसको मैं 31 करता हूं, 41 करता हूं, तो एक एक संख्याओं का गुना करेंगे, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस प्रश्न को देखेंगे और उत्तर लिख देंगे। देखिए मैं इसका उत्तर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 7 लिखूंगा और 12 लिखूंगा, और दोस्तों ये जो है आंसर हो गया है। अब इसको आप सामान्य विधि से गुना करेंगे तब भी उत्तर इतना आएगा, करके देखिए। इसको मैं गुना करूंगा तो 1 आएगा, 3 आएगा, फिर एक स्थान छोड़ करके फिर से गुना करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 किया 12, इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 4 और 3 7 आएगा, और 2 का 2 ही आएगा, 1 का 1। तो देखिए दोनों उत्तर में क्या अंतर है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो भाई ये ट्रिक काम कैसे करता है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन क्या करना है, इसके इकाई में, ध्यान दीजिएगा, दोनों के ही इकाई में एक होना चाहिए। और अगर दोनों संख्या के इकाई में एक है तो गुना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, दोनों संख्या एक है तो आपको एक ही लिखना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, फिर यहां पर इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखना है। तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, 16 का केवल 6 लिखेंगे और एक को आपको क्या मानना है, हासिल मानना है। फिर क्या करेंगे, 9 7 63 मानेंगे, 9 7 63 में एक जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और दोस्तों इन दोनों संख्याओं का गुना हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए मुझे 81 को गुना करना हो 41 से। देखिए यहां पर मैं अलग अलग संख्या लेकर आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बताया है, जब भी आपको ऐसी संख्या का गुना करना हो जिसके इकाई में क्या हो, एक हो, है ना, और दहाई में कुछ भी संख्या हो सकता है। तो देखिए, और ये दो अंकों के संख्या के लिए मैं बता रहा हूं, तो दोनों के इकाई में है तो आपको एक ही लिखना है, यहां पर गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक को अगर हम एक से गुना करेंगे ना तो एक ही आता है, इसलिए अगर इकाई में, दोनों के इकाई में एक है और ये दो अंकों की संख्या है तो आपको तो एक ही लिखना है। फिर क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ देना है, तो 8 और 4 क्या होगा, 8 4 12 का 2 करेंगे और हासिल एक चला जाएगा, 8 4 12 का 2 हो गया, हासिल एक चला गया। फिर 8 6 32 इनको आप गुना करेंगे, 8 6 32 और ये कितना हो जाएगा, 33। तो देखिए आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी प्रकार की संक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे 51 को गुना करना हो 81 से, तब भी मैंने आपको क्या बताया है, आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या है, अगर इकाई में एक है तो आपको तो एक ही लिखना है। फिर 8 और 5 को जोड़कर लिखना है, तो 8 और 5 कितना होगा, 13 होगा, 13 का 3 लिखना है, हासिल एक है। अब 8 5 40 करेंगे, 40 में एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और ये उत्तर हो गया है। तो निश्चित रूप से आप इसी प्रकार के कोई भी संख्या हो जिसको गुना करना हो तो आप बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसको अगर मुझे गुना करना हो, या फिर 71 को गुना करना हो 91 से, या फिर 81 को गुना करना हो 31 से, या फिर और कोई भी संख्या हो, 21 को गुना करना हो मान लीजिए मुझे 71 से। देखिए मैंने अलग अलग संख्या लिया है, अब इन सभी संख्याओं को आप चुटकियों में गुना कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर एक लिख दीजिए, सब में एक लिख दीजिए, यहां पर एक ही आएगा। देखिए एक साथ में सारे प्रश्नों को बना रहा हूं। फिर क्या करेंगे, 6 और 3 क्या होगा, यहां पर 9, बीच में जोड़कर लिखेंगे, 6 और 3 कितना होगा, 9, फिर 6 3 18 हो गया उत्तर। इसको क्या करेंगे, एक तो लिख दिए, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, हासिल एक जाएगा, 9 7 63 और एक क्या हो जाएगा, 64। पहले मैंने इस प्रश्न को और बताया था। अभी देखिए यहां पर क्या करेंगे, 8 और 3 क्या होगा, 8 और 3 11 होता है, 11 का 1 लिखेंगे, हासिल एक चला जाएगा। फिर 8 3 24 और एक कितना होगा, 25 होगा, उत्तर आ गया है। यहां पर देखिए 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है, और 7 2 कितना होता है, 14। तो ये हो गया पहला ट्रिक। निश्चित रूप से अब इसी प्रकार के संख्याओं को आप बहुत आसानी से गुना
कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसका गुणा करते समय आपको ध्यान देना है, यदि उस संख्या के जिसको आप गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जिसको भी आप गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए 23 को आपको गुणा करना है 27 से, मतलब अगर उसके दहाई के अंक बराबर हो और इकाई के अंकों का जो योग है वो 10 हो रहा हो, तब हम इस प्रकार के संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, इस ट्रिक को आप ध्यान से सीखेंगे ना तो इसको आप 3 अंकों की संख्या के लिए भी लागू कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जब दहाई के अंकों, पहले देख लीजिए दहाई के अंक बराबर हैं और इकाई के अंकों का योग 10 है, तो 7 और 3 10 होता है इकाई अंकों का योग और दहाई में 2 है, तो आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो आपको इकाई अंकों का गुणा करना है तो 7 या 21 और पूरा लिख देना है, कोई हासिल नहीं लिखना है, 7 या 21 हो गया, 2 अंकों की संख्या लिखना होता है तो हमने 2 अंकों की संख्या लिख दिया। फिर ये दहाई में जो भी संख्या हो उसको एक अधिक संख्या से गुणा करेंगे, यहां पर 2 था ना दहाई में, तो आप उसको 3 से गुणा करेंगे, तो 3 × 6 और आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो आप इसको जांच करके जरूर देख लीजिएगा। अब इसी ट्रिक का प्रयोग हम बहुत सारे संख्याओं में कर सकते हैं, जैसे मुझे 62 का गुणा करना हो 68 से। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा करने से देखिए इसके इकाई अंकों का जो योग है वो क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 8 और 2 10 और दहाई के अंक बराबर है, तो हमको क्या करना है, 8 और 2 16, मतलब इकाई अंकों को गुणा करना है और 2 अंकों की संख्या ही लिखना है। हाँ, अगर ऐसे करते हुए अगर 1 अंकों की संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, उसके लिए मैं आगे बता दूंगा। अब देखिए दहाई में 6 है, चूंकि दोनों ही दहाई में क्या है, 6 है, तो 6 को एक अधिक संख्या मतलब 7 से गुणा करेंगे, 7 × 6 = 42 और ये उत्तर हो गया है। मान ले जाए कोई ऐसी संख्या है जिसको यदि हम गुणा करें, मान ले जाए हम यहाँ पर 71 को गुणा करते हैं 79 से। अब देखिए इनको जब हम गुणा करेंगे ना, क्योंकि 9 और 1 तो 10 होता ही है, मतलब इकाई अंकों का योग तो 10 हो ही रहा है और दहाई के अंक बराबर हैं, तो 9 × 1 = 9 हो रहा है, और मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको 2 अंकों की संख्या लिखना होता है, तो आपको सामने में 0 लगा देना है। ऐसा और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के जब भी कंडीशन आए तो आपको क्या कर देना है, इस प्रकार 0 लगा देना है। फिर 7 है दहाई में, तो इसको एक अधिक संख्या से गुणा करेंगे, और 7 का एक अधिक संख्या क्या है, 8 है, तो 8 × 7 कितना होगा, 56 होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को गुणा करना बहुत ही आसान है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसको और भी बहुत सारे संख्याओं के लिए आप लागू कर सकते हैं। भाई जरूरी नहीं कि इस प्रकार के छोटे संख्याओं के या बड़ी संख्याओं के लिए हो, आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 42 ही ले, कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे मान लिया यहाँ पर 46 लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं 44 से गुणा करूंगा, दोनों अंकों इकाई अंकों का योग कितना होगा, 10 होगा, ठीक है, दहाई के अंक क्या है, बराबर है, तो आपको करना है 6 × 24 करेंगे और 4 को एक अधिक संख्या से गुणा करेंगे, तो 4 × 5 = 20। तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रिक। तो मैंने आपको जो 2 ट्रिक बताया है वो बहुत आसान है। अब देखिए मैं आपको कुछ और ट्रिक बता देता हूँ, और दोस्तों ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं जिसमें हम खेल खेल के माध्यम से ही गुना करना सीखते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम कुछ ऐसे संख्या का गुना करना सीख लेते हैं जिसके अगर एक साइड पूरा एक ही हो, मतलब 11 से गुना करना हो, तब हम इस प्रकार के संख्या का गुना कैसे करते हैं। जैसे मान ले जाए मुझे 23 का गुना करना हो 11 से, तब हम क्या करेंगे, हाँ इसको 3 अंकों की संख्या के लिए भी हम लागू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल 2 अंकों की संख्या के लिए बता रहा हूँ। तो जब भी आपको इस प्रकार के कोई भी 2 अंकों की संख्या को 11 से गुना कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या को इस प्रकार लिख लेना है कि बीच में हम एक संख्या और लिख पाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने दोनों संख्या को इस प्रकार लिख लिया, फिर इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़कर लिख लेना है, लेकिन अगर दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर वो 2 अंकों की संख्या आता है तो आपको दहाई की संख्या को हासिल ले जाना है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, 3 और 2 कितना होता है, 5, और ये आपका आंसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको कोई भी संख्या हो, भाई जैसे 55 को ही आपको 11 गुना करना हो 11 से, तब भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखेंगे, बीच में केवल एक संख्या लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे, छोड़ दिए। अब 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 में देखिए 10 में इकाई में क्या है, 0 है, 0 को आपको यहाँ पर लिखना है, और 1 को क्या करेंगे, इनके साथ जोड़ेंगे, और जब 1 को इनके साथ जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा, और इसको आप चाहे तो जांच करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार निश्चित रूप से आपको समझ आ रहा होगा, जब भी आप कोई भी संख्या हो, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसी संख्या भी ले रहा हूँ जिसमें हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो 2 अंकों का होगा, तो हम हासिल ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जब लिखेंगे तो हम 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे,
एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, हाँ सिर्फ एक चला जाएगा तो यहां पर 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको आप गुना करके देख लीजिए। निश्चित रूप से यह छोटा सा वीडियो जरूर है लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे में आपको हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है उसको दो बार क्लिक करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ऐसे ही दो शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।